हल्द्वानी में दशकों से सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर यूपी की तर्ज पर बुलडोजर चलने का वक्त आ चुका है। रेलवे प्रशासन ने आज आखिरी समय सीमा तय कर अपनी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का इरादा जाहिर किया है। रेलवे चार दिन पहले ड्रोन से मैपिंग कर अतिक्रमण की गई जमीन का सीमांकन भी करा चुकी है। गोलापार निवासी रविशंकर जोशी की याचिका पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णायक कड़े रुख के बाद रेलवे के अधिकारियों द्वारा 11 अप्रैल यानी आज तक जिलाधिकारी नैनीताल को अतिक्रमण हटाए जाने की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इज्जत नगर मंडल रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि अतिक्रमण हटाने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। आज इसे डीएम नैनीताल धीराज गबरियाल को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद डीएम व एसएसपी अतिक्रमण हटाने को प्लान तैयार कर इसे अंजाम देंगे। आपको बता दें कि हल्द्वानी शहर की गफूर बस्ती, आजाद नगर, लाइन नंबर 17 जैसे इलाके रेलवे के अनुसार अतिक्रमण की जद में आते हैं। जिलाधिकारी नैनीताल के अनुसार इस भूमि पर लगभग 4500 घर, इंदिरा नगर व गफूर बस्ती में 5 सरकारी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय लाइन नंबर 17-18, राजकीय इंटर कॉलेज इंदिरा नगर, जूनियर हाई स्कूल लाइन नंबर 17, ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज चोर गलिया रोड व प्राथमिक विद्यालय इंदिरा नगर तथा 4 मदरसे, नैनीताल पब्लिक स्कूल मदरसा, निषाद मेमोरियल मदरसा, हयात उलूम मदरसा, मदरसा गरीब नवाज के साथ ही गोपाल मंदिर, शिव मंदिर सहित 5 मंदिर तथा 20 मस्जिदें भी यहाँ है। यहाँ सभी धर्मों के 50,000 से अधिक लोग निवास करते हैं। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में आज क्या कार्रवाई करता है। अप्रैल के लिए जो हाईकोर्ट का आदेश हुआ है डीएम ने बैठक लिए, तो उसको लेकर किस तरह से ढोले बस्ती कपूर बस्ती को लेकर लोग उजड़ने वाले हैं, किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए भाई साहब, मैं पहले तो सारे चैनलों का आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इन गरीबों की आवाज़ उठाई और आप यहाँ पर पहुँचे। लेकिन ये जो मसला चल रहा है 2007 से चल रहा है और ये काफ़ी पुरानी बस्ती है, इसमें किसी भी नेता ने आज तक इन गरीबों का संज्ञान नहीं लिया। इनसे सिर्फ बोर्ड लेते रहे और इनको धोखे में रखते रहे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब ये करीब 50 साल पुरानी बस्ती है। हमारा कहना यह है कि अगर अतिक्रमण है तो हम अतिक्रमण के खिलाफ नहीं, ना हम सरकार के खिलाफ है ना हम प्रशासन के खिलाफ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारी गरीब बस्ती है इनके लिए पहले कई जगह का इंतजाम किया जाए, फिर इन लोगों को उजाड़ा जाए। लेकिन जिस तरह से डीएम ने बैठक की है, उन्होंने 11 तारीख का अल्टीमेटम दिया है कि 11 तारीख तक हमें चिन्हित जगह को खाली कराना है, तो अब आखिर सवाल यह है कि गरीबों के सामने संकट आ चुका है, अब क्या इसमें मतलब किस तरह से सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं आप? भाई सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग हैं या बोर्ड है इनको बिजली की, पानी की, नगर निगम ने सारी सुविधा दे रखी है और ये आधे से ज़्यादा नगर निगम में जगह आती है जो जगह को चिन्हित किया गया। इस कुछ जगहें यहाँ फ्री होल्ड भी हैं, नगर निगम का टैक्स भी आता है, बिजली पानी सब चीज़ का टैक्स नगर निगम वसूलती। मैं मेयर साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ज़मीन का संज्ञान लें और अपने कागज पेश करें कि नगर पे सबसे पहले तो उसकी नपत होनी चाहिए कि कितना एरिया रेलवे का आता है और कितना नगर निगम का आता है। अभी इन लोगों का यही डिसाइड नहीं हो पा रहा, पहले 6 तारीख का आया था, अब 11 तारीख को डीएम साहब ने बैठक की है, हमने फेसबुक के माध्यम से देखा कि कल बैठक हुई, बाकी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। वहीं स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर से, उन पर दहशत का माहौल है कि उनके स्कूल में टीचर कह रहे हैं कि आप लोग अपनी व्यवस्था कहीं और करिए, क्या कहना चाहेंगे तुम्हें? ये तो गलत है ना, देखिए एक बात सुनिए, ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? अगर इन बच्चों पर बहुत बड़ा प्रभाव, ये देश का भविष्य है, ये छोटे छोटे बच्चे, अगर इनके बारे में प्रशासन और यहाँ की सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि भाई इनकी पढ़ाई की और इनके रहने की व्यवस्था की जाए। जमीन परिवार है एक, इसमें देखो एक झुग्गी में 10 परिवार रहती है, एक बेवा रहती है, बच्चे ले लेके 10 परिवार तो
अरे हमें भी कहीं निभाना दे दो, छोटी सी जगह दे दो, हमारे भी बच्चे भूखे प्यासे हैं और जगह जमीन हमें नहीं मिल रही देखे। हमें हो गया 50-60 साल हो रहे पड़े हैं, यहाँ बच्चों भी हो गए, बुढ़ी भी हो जा रहे हैं, जब भी हमें जगह नहीं मिल रही। इलेक्शनों के टाइम पे वोटों के लिए वोट की दाफी हमसे वोट ले लेते, लेके चले जाते, कोई दोबारा शक्ल नहीं दिखाने का आते। अब हमें भी मोदी दिला दे, कहीं जगह निभाना हो जाए। हमारे बीच में 3 या 4 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी रेलवे अथॉरिटीज के साथ, और उन लोगों को हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि आप एक अपनी कार्य योजना बनाएं कि आप किस जगह से पहले अतिक्रमण हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 4,500 के करीब आपके अतिक्रमण हैं जिनको हम लोगों ने हटाना। तो वो एरिया स्पेसिफिक बताएंगे, फर्स्ट फेज में क्या हटाना, सेकेंड में क्या, थर्ड में क्या, तो और मैन पावर अपना कितना वो डिप्लॉय करेंगे, और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज उनको चाहिए, जैसे भी मशीनें चाहिए, या फिर उसको एक बार अतिक्रमण तोड़ने के बाद उसका डिस्पोजल कहाँ होगा उसका, तो ये सारी चीज़ प्लानिंग के साथ ये लोग 11 तारीख को हम लोग अपनी ये अपनी रिपोर्ट हमें दे देंगे। फिर हम लोग SSP और हम लोग बैठ के एक असेसमेंट करेंगे कि हम लोग को कितने फोर्स की आवश्यकता है, कितने मजिस्ट्रेटों की आवश्यकता है, क्योंकि ये जब अतिक्रमण हटेगा तो ये एक सप्ताह में हटने वाला अतिक्रमण नहीं है, ये तो लगातार 1-2 महीने भी इसमें हटाने में चल सकते हैं। जब वो डिसाइड हो जाएगा तब हम अपने फोर्स की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपना अतिक्रमण। सर पुनर्विस्थापित का मुद्दा भी कहीं ना कहीं उसमें उठाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कार्रवाई की? क्योंकि अभी फर्स्ट फेज में जो डायरेक्शन है उसी का पालन करेंगे, क्योंकि ये दूसरा मुद्दा है, क्योंकि पहले हम जो आदेश हमें मिले हैं माननीय उच्च न्यायालय के जो डायरेक्शन है कि रेलवे अथॉरिटीज के साथ बैठक करके फिर निर्णय करें, और जब वो डिसाइड हो जाएगा तो वो उसकी बात हम अलग से बात करेंगे। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।